की आड़ में वामपंथियों ने फिर ऐसे लोगों को जो इस देश के लिए हमेशा खिलाफत करते रहे, देश के खिलाफ खड़े होने वाले लोग जो आंदोलन में सक्रिय हो गए और आंदोलन को उन्होंने कैप्चर कर लिया। दुर्भाग्यजनक है कि इस प्रकार के लोग वामपंथी मानसिकता के जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं वो इस किसान आंदोलन की आड़ में अपने हितों के बारे में काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के लिए जो बिल लेकर के आई है, ये बिल किसानों के हितों का बिल है और देश का किसान इस बिल के समर्थन में खड़ा है। मैंने पहले दिन कहा था ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन तो योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के लोगों ने और तथाकथित वामपंथियों ने इस आंदोलन को देश को अस्थिर करने का प्रयास जो तथाकथित तौर पर कर रहे हैं ये उनका प्रयास है, जो इस देश का किसान न कभी स्वीकार करेगा। आने वाला जो बिल जो एक्ट बनाया ये किसानों के हितों में है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के बीच जाकर के इस बिल के बारे में भी जो वास्तविकता है हमने बताई और किसान इस बिल के समर्थन में खड़ा है। हम किसान चौपाल का भी आयोजन करेंगे, किसानों के बीच हमारी तो बूथ बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता हैं जो लगातार इस बिल के माध्यम से जो किसानों को झूठ छल कपट जो कांग्रेस का चरित्र है जो प्रयास वो फिर एक बार करने का प्रयास कर रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर जनता के सामने उस बिल के बारे में किस प्रकार से बिल किसानों के हितों का बिल है, किस प्रकार से किसानों को संरक्षण करने का बिल है, किस प्रकार से किसानों को समृद्ध बनाने का बिल है, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का हमारा पूरा नेतृत्व किसानों के बीच जाकर के किसान चौपालें भी होंगी, किसानों के सम्मेलन भी होंगे और उनके बीच जाकर के अपनी बात को इस बिल के समर्थन में जो किसान इस बिल के समर्थन में खड़ा उनके साथ जाकर के बात करें।